जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आईक्यू ने अपना एक बढ़िया सा स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है अमेजोन के ऊपर, आईक्यू नियो 7 प्रो 5G के नाम से। और ये जो स्मार्टफोन है आपको 35,000 रुपए से भी कम की प्राइस में देखने को मिल जाएगा, ऊपर वगैरह लगा के, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है और ये जो स्मार्टफोन है कैसा रहने वाला है इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर सबसे पहले बात करें इसकी डिजाइन की, तो इसकी जो डिजाइन है काफी अच्छी होने वाली है और पीछे का जो कैमरा पोर्शन है वो भी काफी अच्छी डिजाइन के साथ आएगा। इस स्मार्टफोन में आपको IP52 की रेटिंग भी देखने को मिलने वाली है, जो की होनी चाहिए। आजकल कम से कम प्राइस रेंज में भी आपको कुछ IP वाली रेटिंग देखने को मिल ही जाती है। और इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.78 इंच का जो है फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ। और ये जो डिस्प्ले AMOLED डिस्प्ले रहने वाला है और इसमें आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको पंच होल में 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इसमें देखने को मिलने वाला है। अगर इसके कैमरा की बात करें तो पीछे की तरफ आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा OIS के साथ, और 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाएगा, और दूसरा है जो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें आपको 1300 निट्स की जो ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जो कि काफी अच्छी रहने वाली है, जिसकी वजह से आप सूरज की रोशनी में भी काफी आसानी से यूज कर पाओगे, आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, डिस्प्ले को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इसका जो मेन कैमरा उससे आप 4K में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन फ्रंट कैमरा से आप सिर्फ फुल HD में ही रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा फन टच OS के साथ, और कंपनी ने बोला कि इसके अंदर आपको आने वाले 2 साल में एंड्रॉइड के अपडेट भी देखने को मिलेंगे और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी देखने को मिलेंगे। सबसे मेन हाईलाइट है इसका प्रोसेसर, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और कंपनी ने बोला कि इसमें गेमिंग के लिए आपको अलग से एक इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप का भी यूज किया है, जिसकी वजह से आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है काफी अच्छा रहने वाला है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है, जिसका यूज करके आप 120 FPS पर भी गेमिंग कर सकते हो। वैसे जो 120 FPS वाली गेमिंग होगी ये खुद से बूस्ट करेगी, ओरिजिनली ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि आप 120 FPS पर जो गेमिंग कर रहे हो, तो इसका यूज करके आपको जो गेमिंग है काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है इसके अंदर। और परफॉर्मेंस को लेकर इसमें कोई इश्यू नहीं रहने वाला है, इसका जो प्रोसेसर है काफी अच्छा प्रोसेसर है, तो हर एक चीज जो की प्रोसेसर पर डिपेंड करती है काफी अच्छे से आपको आउटपुट देने वाली है, चाहे गेमिंग की बात करें, वीडियो एडिटिंग की बात करें, या फिर कुछ भी ऐसी हेवी टास्किंग करना चाहते हो आप काफी आसानी से जो कर पाओगे इस स्मार्टफोन के अंदर। इसमें दोस्तों आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं रैम रोम में, पहला जो है 8GB 128GB का मिलेगा, दूसरा जो है 12GB 256GB का देखने को मिलने वाला है। और इसके अंदर जो रैम है वो LPDDR5 की रैम यूज की गई है, और स्टोरेज भी है UFS 3.1 का है, तो रैम और स्टोरेज को लेकर भी आपको कोई इश्यू नहीं रहने वाला है, इनकी काफी अच्छी स्पीड दिखेगी, जिसकी वजह से आपको कोई ऐप ओपनिंग करनी हो या फिर मल्टीटास्किंग करनी हो तो वहां पर भी ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा, आप आसानी से एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पर स्विच करोगे तो कभी भी आपको लेग देखने को नहीं मिलने वाला है इसकी प्रोसेसर और इसकी जो रैम की वजह से। वैसे इसमें जो 5G के बैंड देखने को मिलने वाला है वो सिर्फ 8 ही देखने को मिलेंगे, तो इनको लेकर वैसे इतना कोई इश्यू तो नहीं रहने वाला है, लेकिन भी एक नॉर्मली आजकल 14 या 13 5G बैंड तो देखने को मिल जाते हैं बजट प्राइस में भी, लेकिन इसमें पता नहीं इन्होंने बैंड कम क्यों दिया, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन 5G को लेकर वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इशू रहेगा। दोस्तों एक और चीज है कि इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला है, और जो दूसरा वाला स्पीकर रहेगा ऊपर की तरफ वो ईयर पीस के अंदर ही रहने वाला है, तो इनकी स्पीकर की क्वालिटी तो अच्छी रहने वाली है, लेकिन अगर इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दे दिया होता तो और भी अच्छा हो जाता। और इसका जो डिस्प्ले है वो बड़ा है, डुअल स्टीरियो स्पीकर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और पंच होल भी मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसमें एक कमी है कि आपको इसमें ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा। वैसे दोस्तों इसमें एक चीज अच्छी है कि इसमें आपको IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने घर में TV वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। अगर दोस्तों इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 120W की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आएगी, और इसका जो फास्ट चार्जर है इसी स्मार्टफोन के साथ आपको देखने को मिलने वाला है, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इन्होंने चार्जिंग के मामले में काफी अच्छा किया है कि चार्जर इसी स्मार्टफोन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, और कंपनी क्लेम करती है कि 8 मिनट में ये 50% चार्ज हो जाएगी और लगभग 25 मिनट में 100% चार्ज हो जाएगी। वैसे इतनी स्पीड देखने को नहीं मिलती किसी भी कंपनी की तरफ से, जैसा कि वो बोलते हैं थोड़ा सा टाइम तो ज्यादा लग ही जाता है। और दोस्तों अगर इसकी कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं इसका जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हुआ है, अगर इसी के पिछले वाले स्मार्टफोन से कंपेयर करें तो। वैसे मोस्टली ये जो गेमिंग पर ही ध्यान देती है या फिर इसका जो प्रोसेसर है उसी पर ध्यान देती है, परफॉर्मेंस के लिए बनाती है स्मार्टफोन, कैमरा पे इतना जो वर्क नहीं करती थी, लेकिन इस बार इन्होंने जो कैमरा पे भी अच्छा सा काम किया है और काफी अच्छा आपको कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है पीछे की तरफ। तो अगर बात करें कि इसमें आपको क्या क्या अच्छा देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको डिस्प्ले अच्छा देखने को मिलेगा,
परफॉर्मेंस तो है अच्छी, और इसका कैमरा भी कहीं ना कहीं अच्छा देखने को मिल जाएगा, और इसका डिजाइन भी काफी अच्छा है, और बैटरी वाला डिपार्टमेंट भी इसका जो काफी अच्छा रहने वाला है, तो यहाँ पर आपको कोई इश्यू नहीं रहने वाला है। जहां तक है मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसे कोई इश्यू देखने को मिलेगा बड़ा सा, बस एक 3.5 mm का जो ऑडियो जैक होना चाहिए था वो इसमें देखने को नहीं मिलेगा, और इसमें आपको कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलने वाला, सिर्फ ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो आप अलग से मेमोरी कार्ड इसमें नहीं लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस रखी गई है 35,000 रुपए, जिसके अंदर आपको 8 GB और 128 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, और आपको 38,000 में 12 GB की रैम और 256 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में एक ऑफर रखा गया है कंपनी की तरफ से कि अगर आप इसे शुरुआत में 1,000 रुपए देकर प्री बुकिंग कराते हो तो आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिलेगी, और अगर आप 18 जुलाई से पहले से ऑर्डर कर देते हो तो आपको 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, प्लस आपको इसमें 2,000 रुपए का डिस्काउंट और देखने को मिल जाएगा बैंक ऑफर लगा के, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर आपको 3,000 का डिस्काउंट तो देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद इसकी जो प्राइस रह जाएगी 35,000 रुपए वाले वेरिएंट की वो हो जाएगी 32,000 रुपए, और 38,000 रुपए वाले वेरिएंट की प्राइस हो जाएगी 35,000 रुपए। तो अगर बात करें कि 32,000 रुपए के हिसाब से 128 GB वाला स्टोरेज वेरिएंट भी काफी अच्छा रहने वाला है, और 35,000 रुपए के हिसाब से आपको 256 GB वाला स्टोरेज वेरिएंट भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपको गेमिंग करना काफी ज्यादा पसंद है और आप काफी ज्यादा हैवी गेमिंग करते हो तो ये स्मार्टफोन आप बिल्कुल जरूर से ले सकते हो। लेकिन एक चीज और जरूरी बताना चाहूंगा कि अभी नथिंग फोन 2 भी लॉन्च होने वाला है, जो कि सेम प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा, और उसकी प्राइस जहां तक मुझे लगता है 40,000 रुपए से कम भी हो सकती है, और ऑफर लगा के उसकी जो प्राइस है और भी कम हो जाएगी, तो उसमें भी आपको कुछ हो सकता है कि कंपटीशन देखने को मिले इस नियो 7 प्रो के साथ, तो नथिंग फोन 2 इसको कंपटीशन देने वाला अच्छे से, और डिपेंड करता है कि इसकी जो प्राइस है कैसी रहेगी, और वो जो स्मार्टफोन है 11 जुलाई को लॉन्च हो जाएगा तो 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, और इसके अंदर बाकी चीजें किस तरह की देखने को मिलेगी। प्रोसेसर तो इसका कंफर्म हो चुका है कि स्नैपड्रैगन का 8+Gen 1 वाला प्रोसेसर इसमें देखने को मिलेगा, जो कि नियो 7 प्रो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो बस यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना।